साउथ जोन यहाँ मदीना सेंटर पे हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चौहान, डीसीपी साउथ जोन भोपाल और सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो साउथ जोन की पूरी आवाम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉकडाउन का इतना अच्छा एनफोर्समेंट का नमूना साउथ जोन के सभी आवाम ने दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद शहर में पिछले 16-17 दिनों से जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है ये बहुत अच्छा है। नए पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं और बड़े शहरों बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में हैदराबाद में डेथ रेट भी बहुत कम है। ये सभी चीज़ मुमकिन इसलिए हुआ कि आवाम का फुल सपोर्ट है, पूरे डिपार्टमेंट्स का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स तक, सभी सुबह 9:30 से लेकर लेट नाइट तक आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, आपके परिवार के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत कांस्टेबल ऑफिसर हैं जिनके अपने घर में कुछ लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी वो सभी कांस्टेबल ऑफिसर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उनके दर्द को पहचानिए, उनके दर्द को समझिए और उनके लिए आपके अंदर भी कुछ समझ, कुछ जिम्मेवारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वो 1% लोग जो लॉकडाउन को अभी भी ब्रेक कर रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप घर के अंदर रहिए। 99% पॉपुलेशन बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन को इन्फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जो 1% हैं जो लॉकडाउन को ब्रेक कर रहे हैं, जिनके लिए हर दिन हम लोग लगभग 9,000 केसेस बुक करते हैं, 7,000 के लगभग गाड़ियां सीज करते हैं, उन गैर जिम्मेवार लोगों को मैं कह रहा हूं कि आपके कारण कोरोना अभी रुक नहीं रहा है। आप कोरोना को मौका दे रहे हैं एक घर से दूसरे घर जाने का, आप उनको अपने साथ लेकर दूसरे घर में जा रहे हैं, ये आपकी गलती है और सोसाइटी आपको कभी माफ नहीं करेगा इसके लिए। अगर आपके कारण किसी भी एक बुजुर्ग या बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मैं ये उन 1% लोग को अपील कर रहा हूँ। आज हमारे साथ साउथ जोन के सभी ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और डिपार्टमेंट के तरफ से, पूरे शहर के तरफ से साउथ जोन के सभी ऑफिसर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी मुश्किल समय में इतनी कड़ी मेहनत का एक जो नमूना उन्होंने पेश किया है वो काबिले तारीफ है और आगे आने वाले समय में हम लोग सब याद करेंगे कि ऐसे मुश्किल समय में हमारे पुलिस ऑफिसर अपनी घर की चिंता नहीं करते हुए सोसाइटी के लिए, आपके लिए, आवाम के लिए सड़कों पर 24 आवर्स ड्यूटी किए हैं। थैंक यू सो मच। ये किसके सेफ्टी के लिए है? ये पब्लिक सेफ्टी के लिए है। अगर 10 बजे लॉकडाउन का नियम है तो 10 बजे फॉलो करना है। अगर हर चीज़ में आप कंसेशन लेने का आदत लेंगे तो ये कंसेशन से बाकी सब चीज़ चलेगा, लॉकडाउन नहीं चलेगा और ये कोरोना नहीं रुकेगा। अगर आप कोरोना को कंसेशन देते रहेंगे तो ये हफ्ते हफ्ते, महीने महीने तक आपके घर में घूमता रहेगा। सो ये कंसेशन का कल्चर को छोड़िए और कोरोना के सामने थोड़ा सख्ती दिखाइए। ये कोरोना केवल सख्ती से जाएगा, कंसेशन से नहीं जाएगा। और सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का 4 घंटे का समय दिया हुआ है। 4 घंटे में आप 4 महीने का सामान खरीद सकते हैं अगर आपके अंदर रियली आप चाहते हैं तो। अगर बिना मतलब का घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 घंटा भी मिलेगा, फिर भी आप नहीं थकेंगे। 4 घंटे में आपको जितना सामान खरीदना है खरीद लीजिए और जाकर घर में रख लीजिए। शुक्रिया। किधर रहते हैं आप? आप किधर रहते हैं आप? राजा डीलर मुर्शिदाबाद। अच्छा, तो यहाँ पर किधर आए थे? चांदना डॉक्टर के पास। अच्छा, तो कहाँ पर रोके आपको? कहाँ पर रोके?
नहीं नहीं वहाँ से चाटू नहीं मिल रहा, चल लेते हैं चल लेते हैं मदीना तक है, शाम में आते हैं। अब हमको मशीराबाद जाना है। अच्छा